जब हम सत्संग की बात करते हैं तो सत्संग में जो सत्संग नहीं है उसे भी समझना होगा। सत्संग क्या नहीं है, जैसे आप अपने बचपन की बात याद करें, जब आप बिल्कुल बच्चे थे, अभी कुछ महीने से चलना शुरू किए थे, तो गुब्बारा देखकर कितना मस्त हो जाते थे, चेहरे में एक खिलावट आ जाती थी, उछलने लगते थे गुब्बारा देखकर। थोड़े और बड़े हुए, घर वालों ने गाड़ी ले आया, वो प्लास्टिक की गाड़ी, चाबी वाली, उसके साथ दौड़ना शुरू किए, कितना अच्छा लगता है ये जीवन। और कोई बड़ी चीज देखे, साइकिल लेके आ गए, टूबू साइकिलें, उसका अपना एक मजा है, उसको देखने में ही मजा आता है। बच्चों को वो चीज जब देखते हैं, जो पहली बार अद्भुत चीज देखते हैं, बड़ी खुशी होती है। हमारे गुरुदेव सतगुरु अभिलाष साहेब ने भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है इस पद की व्याख्या करते हुए, प्रवचन करते हुए कहा था कि जिंदगी में जब पहली दफा कोई आदमी रेलगाड़ी देखता है, क्या उन्होंने खुद देखा तो अद्भुत था। पहली बार रेलगाड़ी देखना, जब मोबाइल और टीवी का जमाना नहीं रहा है, सोचिए जरा, खुली आंखों से रेलगाड़ी आपके सामने से जा रही हो, आज से कम 25-30 साल पुरानी बात है, बल्कि 50 साल पुरानी बात, वो अद्भुत बात रही है। और किसी लिहाज से अब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये सार बात, हम बड़े जरूर हो गए हैं, उम्र बढ़ गई है, शरीर प्रौढ़ हो गया है, लेकिन हमारी जो समझ है, सोच है, वो बिल्कुल बच्चों वाली है। अभी भी कोई मदारी आ जाए तो आदमी अपने भोजन को छोड़कर, थाली को छोड़कर, डमरू बजते ही बाहर निकल जाएगा, चौराहे पाया जाएगा। ये क्या डमरू बज रहा है, क्या होने जा रहा है? आज आधुनिक जमाना है, चैनल्स पर गुरु आते हैं, वो चमत्कार दिखाना शुरू करते हैं, और एक झटके में हमारा देश उसी को देखना शुरू कर देता है। मान लो एक बच्चे को गुब्बारा मिल गया, गुब्बारा के साथ खेलता है कुछ मिनट, 15-20 मिनट, आधा घंटा, भूख लगती है, दूध चाहिए, नींद लगती है, बिस्तर चाहिए, वो कहीं भी सो जाता है, मतलब उसकी और भी जरूरत है, केवल गुब्बारा सब कुछ समाधान नहीं दे रहा है। लेकिन हम बड़े हो गए हैं, समझदार कहते हैं अपने आप को, लेकिन जो गुब्बारा फूटता है टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, हम उसी के दीवाने हो जाते हैं, पूरा देश उसके पीछे लग जाता है, ऐसे कैसे हो गया। कुछ दिन पहले एक बाबा ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम आपकी माइंड रीडिंग कर देंगे, हमारे पास जो भी आएगा वो सब बता देंगे कि वो क्या सोच रहा है, पर्ची में क्या लिख के आया है। और बाद में इसी देश की एक लड़की ने उसको चैलेंज किया, उनका नाम सुहानी साहा है, उन्होंने कहा कि हम तो ये काम बहुत पहले से कर रहे हैं, हमने ये टीवी पर आकर के उसको विज्ञापन नहीं किया, और ये एक ट्रिक है, ये कोई चमत्कार नहीं है। हमारे गुरुदेव सतगुरु अभिलाष साहेब जी, जब उनके दरबार में आप प्रयागराज जाते थे, आपके घर में वो आपके रूम में बैठे हैं, आपने जो खटिया लगाया उस पर बैठे हैं, आप जाके उनके सामने बैठते थे, वो भी सारी बात बता देते थे चेहरा देख करके, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, वो सीधा बोलते थे क्या चिंता है, फिर भी आप नहीं बोलते थे, तब बताते थे कि क्या आपका बेटा बात नहीं मान रहा है, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, शायद आप कुछ भी नहीं बोल रहे थे,
चार छह चीजें वो आपके चेहरे को देखकर, आपके मन को देखकर, आपकी घर की हालात को देखकर क्यों कहते हो बता देते थे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम आज भी बच्चों की तरीके से हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिख दिया गया है, जो हमारे पूर्व के गुरुजन हुए हैं उन्होंने जो बोल दिया है, हम उन बातों को आंख मूंद कर मान लेते हैं। हम सोचना नहीं चाहते हैं, अपने दिमाग को खर्च करना नहीं चाहते हैं, मतलब सस्ता सौदे में हम जल्दी से जल्दी बह जाते हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है, जबकि हमें बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी की इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धिमत्ता मिली हुई है। क्या नहीं कर सकते हैं हम? कहते हैं एक आदमी गाय चरा रहा था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वो बांसुरी बजा रहा था और जानवरों को चरा रहा था। उसके दूर कोई आधा किलोमीटर दूर एक बोरिंग हो रही थी। बोरिंग में एक पाइप नीचे गिर गया, धोखे से काम सही कर रहे थे मगर एक पाइप बोरिंग के अंदर चला गया। अब वो लोग घंटों लगे हैं वहां जा करके, उस जमाने में फिर से एक पाइप डाल करके उसको घुमा करके निकाल सके ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, पाइप फंस गया था। धीरे धीरे वो जो गाय चराने वाला ग्वाला था, गांव का लड़का था, अभी उसकी उम्र रही होगी 20-22 साल की, वो उधर अपनी गायों को हांकते हुए भेड़ बकरियों को चराते चराते आया और वो दूर से देख रहा था कि ये लोग कई घंटे लगा दिए कुछ भी नहीं करते हैं, खाली पाइप को झांकते हैं, कुछ मीटर वो डालते हैं नापने का वो टेप, और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो पास में आया, सारी समस्या उनको बताई गई। वो लड़का जिन्हें सुना कि पाइप नीचे गिर गया है और उसने कहा हम इसको अभी निकाल देते हैं, कुल्हाड़ी तो उनके पास थी ही, गया पास में एक पेड़ था, वो पाइप को देख लिया झांक करके किस मोटाई का उसके अंदर छेद है जो गिरा हुआ पाइप है, पेड़ की टगाली काट के लाया लंबा सा करीब 5 से 8-10 मीटर का, वो लेके आया और उसमें डाल दिया और पानी उस पेड़ के उस टगाली में पानी भी डाला। कहे अभी कुछ देर वेट करो आप, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा। दो घंटे बाद वो लकड़ी फूल गई, वो टगाली जो पाइप के सरीके थे था वो फूल गई, और फिर जब पकड़ लिया उसने तो उसी को डंडा को खींचा गया उस टगाली को और धीरे से वो पाइप निकाल लिया गया। ये हमारी भारत की चीजें हैं, गांव की चीजें हैं, ये जमीन की चीजें हैं। आज हम अपनी जमीन छोड़ दिए हैं, आज हम हवाई बातों में यात्रा करने लगे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हम आंख मूंद करके उनके पीछे लग गए। यहीं से जादू और चमत्कार शुरू हुआ, उसी को पाखंड भी कहते हैं। पाखंड मतलब झूठ, पाखंडी मतलब झूठ बोलने वाला। आपके गांव में भी ये होता है? अब थोड़ा सुधार हुआ है, वरना एक आदमी आता था बड़ा लंबा सा झोला लेकर के और वो आवाज लगाता था गांव में कि आपके घर में जो भी सोना चांदी के जेवर होंगे, गहने होंगे, आप हमें दीजिए, हम उसका डबल कर देंगे। वो कब आता था? लगभग जब घर के मालिक लोग कोई खेत चला गया है, कोई दुकान निकल गया है, कोई और किसी दफ्तर और ऑफिस में निकल गया है शहर बाजार के लिए, घर में केवल माँ बहने हैं, बूढ़ी सास है, लेडीज पर्सन लोग रह गई हैं, उसी वक्त वो राइट टाइम पे आता था। और माँ बहने गहने डबल हो जाए तो फिर क्या पूछना है, गहनों का बड़ा शौक है उन्हें, फ्री में वो गहना और जेवर डबल करने का झांसा देता, बड़ा तामझाम लगाता, भगवान की मूर्तियों को रखता, सिंदूर लगाता, पीला चावल मंगाता, नारियल सुपारी रिबन लाल फीता ये सब वो ताम झाम के साथ बैठता।
और उनको बोलता कि सारा जो भी गहना डबल करना है यहाँ रखो इस पाटले पर, पीढ़ा पर, और बोलते आंख बंद करो, जब तक हम ना बोले आंख नहीं खोलना है। अपना मंत्र जंतर शुरू करता वो, संस्कृत में बोलता, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसा करते करते इसी बीच अपने झोले से वो नकली माल निकालता जिसमें पीतल चांदी और सोने का पानी पिलाया गया हो। असली सोना चांदी का जो जेवर था वो अपने झोले में रखता और नकली माल निकाल के दो गुना चार गुना आपके सामने वो धर देता था। आप मंत्र जंतर कर रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, और उनको पता होता है कि अब घर वाले खेत से हल जोत के आ रहे हैं, बिजनेस वाला लंच ब्रेक में आ रहा है घर, बाबू दफ्तर गया है, इनका पति इनका ससुर वो भी आने वाला है। इसके पहले वो अपना पूरा माल लेकर के, नकली माल पकड़ा करके असली माल दे करके आपको चंपत हो जाता। ये होता रहा है, अब कुछ कम हुआ है, अब तो ऑनलाइन फ्रॉडिंग होती है, ऑनलाइन लोग ठगे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र रहे हैं, बल्कि शिष्य के रूप में, उनको ठग लिया, उन्होंने अपना पासवर्ड दे दिया और वो ठगे गए। कुछ साल पहले हमारे एक खास साथी हैं, और बड़े सौभाग्य की बात है कि इसी गांव में पैदा हुए हैं एक साथी हमारे, आज वो एक आश्रम में रहते हैं हमारे, उनको भी ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉडिंग के जरिए पासवर्ड वगैरह दे दिया, अपना डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स डालते चला गया, और उनका कम से कम 30,000 रुपए वो लूट लिए। ये हो रहा है, और आप बड़े आराम से ठगे जाते हैं। सोचिए जरा, ठीक है जिस देवी और देवा की आप पूजा करते हैं वहां तक सब सही है, उनके जीवन को भी पढ़िए, उनके जीवन को भी खंगालिए, उनके जीवन में कुछ अच्छाई है तो जरूर पढ़िए। जैसे भगवान राम की मैं चर्चा करूं थोड़ी देर, शायद वक्त भी कम हो रहा होगा, तो मैं ये बताते हुए, भगवान राम अभी जो चल रहा था कोरोना टाइम, एक तो हमने बचपन में देखा था, गांव से बाहर पड़ोस के बंगला में जाके हम देखते थे टीवी, पूरा गांव सुना हो जाता था, तो हमने रामायण सीरियल देखा। अभी लॉकडाउन में देखा सुंदरा आश्रम में, वहीं पर था मैं देख रहा था, तो वहां पर राम के किरदार में अरुण गोविल बार बार बोलते रहे, अरुण गोविल इतना उसने मेहनत करी है राम होने के लिए, वहां पर दिखने के लिए, उनसे ही पूछा जा सकता है। लक्ष्मण उत्तेजित हो जाते थे, लक्ष्मण अपनी माँ कई कई को ही कई दफा उल्टा पलटा बोलने लगते थे, भत्ती काली तो नहीं दिए लेकिन अपशब्द जरूर बोलते थे, तो राम बड़े प्रेम से समझाते थे कि भैया माँ वो आपकी है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, लेकिन आपकी माँ से ज्यादा मैं माँ अपने लिए समझता हूँ, अपनी माँ के लिए ऐसे अपशब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है उन्होंने जो किया कर्म था, उन्होंने किया है, बोला है, कहा है, वो उनकी कमाई है, हम अपना कर्म क्यों बिगाड़े, इसको बहुत प्रेम से समझाते रहे। अब यहाँ पर हम राम से ये गुण अपने लिए सीख सकते हैं। मैंने रामायण सीरियल देखते हुए ये नोटिस किया कि राम, रावण और पूरी रामायण की घटना ऐतिहासिक हो ना हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी अयोध्या की खुदाई हो रही है, खुदाई होती रही है, तो राम की कोई मूर्ति नहीं निकली है वहां, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के अवशेष निकले हैं, बुद्ध की मूर्तियां निकली हैं। कोई राम और राम राज्य और राम के दरबार और उनके जितने भी हुए हैं दशरथ से लेकर बाकी 3 रानियां और सारे लोग, किसी की कोई मूर्ति नहीं निकलती है इतिहास में। ये बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं, खुदाई करते हैं, इतिहास कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये पाया और ये समझने वाली चीज है, आप भी समझिए मेरी समझ को, यदि मैं समझा पा रहा हूँ तो, वो ये कि राम रावण लक्ष्मण सीता और जो भी है वहां पर पात्र, वो हमारे भीतर घटते हैं। जब हम प्रेम से भरे हुए हैं अपने घर वालों के लिए, प्रेम की भाषा बोल रहे हैं, तो हम वहां पर स्वयं राम। जब हम दहाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मान रहे हैं, तो सचमुच में वहां पर हम रावण हैं। घर में जो हमारी देवियां हैं वो अपनी मर्यादा में हैं और मर्यादा में रहकर अपनी बात कर रही हैं, बड़े लोगों को भी समझा रही हैं, ससुर को भी, सास को भी,
तो आप समझ सकते हैं कि वो सीता है। हमारे घर में सारे लोग हैं, हमारे अंदर ही कभी राम है, कभी रावण है, कभी विभीषण है, कभी लक्ष्मण है, ये सब हो रहा है। ये चीज समझते हैं तो फिर आपका धर्म में जाना, आपका धर्म ग्रंथ पढ़ना। शायद गोस्वामी तुलसीदास जी को ये नहीं मालूम था कि मैं जो भी रचना लिख रहा हूँ वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण वगैरह को लेकर के, इतिहास नहीं खोजेंगे रामायण के अंदर, बल्कि मैं जो समझ और सीख देना चाहता हूँ वो लोग सीखें। ये बात रामानंद सागर जी ने भी बोला है। रामानंद सागर वही आदमी है जिन्होंने रामायण को सीरियल के रूप में दिखाया है आप लोगों। वो खुद कहते हैं कि ऐतिहासिकता पर नहीं जाना है और कई घटनाएं हैं। वो कहते हैं कि हनुमान कोई बंदर नहीं थे, हनुमान की कोई पूंछ नहीं थी। गुरुदेव सतगुरु अभिलाष साहब बार बार आपके गांव में घर में ये बोले हैं, वो कहते रहे हैं कि जो हनुमान थे, बजरंग बली थे, वो वानर गोत्री थे। उनके झंडे पर हनुमान के चिन्ह होते थे, बंदर के चिन्ह होते थे, माफ करिए, बंदर के चिन्ह होते थे, मतलब पूंछ वाले बानर। और बानर का मतलब ही होता है वन का नर। तो हनुमान कोई बंदर नहीं थे, पूंछ वाले नहीं थे। रामानंद सागर यही बोल रहे थे भूमिका में कि मैं बिना पूंछ का भी दारा सिंह को दिखा सकता हूँ। दारा सिंह का कोई पूंछ नहीं था, उन्होंने रोल प्ले किया था, नकली पूंछ लगाई गई थी। उन्होंने यही कहा कि लोग चिल्लाएंगे, कई तरह की बातें आएंगी, तो लोगों की भावनाओं का इज्जत करते हुए मैंने जो दारा सिंह है उनके पिछवाड़े पर पूंछ लगाया। तो साफ साफ बोल रहे हैं, हम तो अंधे हो गए हैं ना। आपका बच्चा गुब्बारा देख के नहीं समझता है, समझ में आती है। खिलौना देख के खेलता है, कूदता है, उछलता है, समझ में आता है। आप तो प्राउड है, विज्ञान का जमाना है, गूगल पर सर्च कर लो उसकी रियलिटी पता चल जाएगी। बड़े से बड़े धर्म गुरु भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लाल पीले वाले गुरु सब झूठ बोलते हैं। अच्छे से अच्छे गुरु हैं, वो भी सच बोल रहे हैं। अभी नए नए लड़के आके बोल रहे हैं, एक नाम है संदीप माहेश्वरी, वो बहुत बड़ा गुरु है हिंदुस्तान के अंदर। वो भले फुल पैंट शर्ट में है, कोई छापा तिलक नहीं लगाता है, कोई दरबार नहीं सजाता है, लेकिन इतना बढ़िया सच बोलता है। बहुत गुरु उनके मुकाबले का सच कोई नहीं बोल पा। वो आधुनिक गुरु है और इतनी बड़ी बात देश की, दुनिया के लोगों के हित के लिए, बिजनेस के लिए और नौकरी के लिए वो बोल रहे हैं, जवानों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बच्चों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। इस तरीके से आप अध्यात्म को समझेंगे, इस तरीके से आप धर्म को समझना शुरू करेंगे ना, तो आपका भला होगा। वरना आप पोगा पंडित, पोगा पंथी बन करके पोगा पंडितों के पीछे लगे रहेंगे, ये आपको लूटते रहेंगे और आपका घर खाली होता रहेगा और आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। यही काम सरकार कर रही है। मैं सरकार की बात कहकर के विदा ले रहा हूँ। सरकार ये चाहती है कि आपको कम से कम दाम पर या मुफ्त में चावल राशन बांटे, ठेका खोलें आपके गांव में, ऐसे ही कर रहे हैं, यही हो रहा है। मुफ्त में अंडा खिलाएं, मतलब वो नशा की चीजें खिला खिला करके जवानों को बेरोजगारी भत्ता दे दे करके। बताओ, जवानों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए जी? अरे कितने सारे काम सरकार खुलवा सकती है, गांव में ही कितने काम होते हैं जो रोजगार गारंटी के तहत होते हैं। और भी काम जवानों को काम दीजिए ना, ताकत है, पावर है, उनका इस्तेमाल करिए। लेकिन सरकार ये चाहती है कि आपको मुफ्त में खिला खिला करके, सस्ती चीजें दे कर करके और आपकी मांगों को पूरा करके आपको नशा में रखा जाए। आप चावल धान बेच करके नशा में डूबे रहे, शराब और बाकी नशीली चीजों में। वो यही प्रयास कर रही है, उनका वोट बैंक बनना चाहिए। कोई सरकार को आपके बहुत फिक्र नहीं है। यही काम धर्म गुरु भी कर रहे हैं। आप सोचिए, जिसके चेले हैं, जिस परंपरा में जुटे हुए हैं, वो आपको बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं, धर्म का नशा दे रहे हैं, ऐसी झूठी बातों की दोहाई दे रहे हैं जिसका आज कोई मूल्य नहीं है। इन जो है फिजूल की बातों में, बिना कारण कार्य व्यवस्था की बातों में और ऐसे ही अशाश्वत बातों में, झूठी बातों में, पाखंड बातों में आपको उलझाए हुए हैं। आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आपके आसपास बड़े से बड़े धर्म गुरु आ रहे हैं, उनकी बातों को आप लोग समझें, सीखें और अपने जीवन को
ऊंचाई की ओर ले चलें, जागें। कबीर साहेब का पूरा बीजक और कबीर पंथी सतगुरु संत आपको जगाने आते हैं, आप जागें और ज्यादा से ज्यादा आनंद पूर्ण अपना जीवन बनाए। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी में यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय।